सर, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है कि लोग धर्म को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और काफ़ी अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले टाइम में राम मंदिर बना और ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ी गई, तो लोग सब अपने अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। इस हिसाब से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने धर्म को प्रमोट कर रही है, हिंदू कम्युनिटी अपने धर्म को प्रमोट कर रही है। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि धर्म का अर्थ क्या है और मतलब धर्म क्यों है। तो इसके जवाब मैंने काफ़ी लोगों से मांगे बट मेरे को सेटिस्फाई नहीं करते। लोग कहते कि हमारा धर्म बेस्ट है, इस धर्म में ये बातें होती है तो ये धर्म बेस्ट है, और ऑनलाइन भी इसके आंसर ढूंढे तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो क्या आप समझा सकते हैं इसका मतलब? देखो भैया, जो आज के टाइम पे लोग फॉलो करते हैं, कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए धर्म, तो एक्चुअल में इन लोगों को धर्म के बारे में घंटा पता नहीं है। ये चार किताबें पढ़ के कोई बाबा कहीं बैठ के भौंकने लग जाएगा कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, पता नहीं यार धर्म के अंदर कितना कबाड़ आ चुका है। ये हम एक धर्म में नहीं, ये हर धर्म की बात है। कोई भी धर्म प्योर पवित्र 100% है नहीं। अगर 100% होगा तो कब होगा? जब लोगों को ये पता हो कि धर्म का मतलब क्या होता है और धर्म हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन बातों का पता नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं, बस भगवान को खुश करना है, वो खुश हो गए तो हम सब मिल जाएगा सब कुछ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म होता क्या है। तो जो धर्म होता है वो किसी मतलब एक चीज़ का नाम नहीं होता है, ये बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली धर्म बोलते हैं। और ये धर्म बनाया क्यों गया, ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो होता क्या है, जैसे हमारे ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, वो ज़्यादा उनके पास तो देखो भैया इंस्टाग्राम नहीं होता था, ना फेसबुक होता था, ना यूट्यूब होता था कि उधर से ही देख के वो पोस्टते रहेंगे कि ओ माई गॉड ये हो गया, कोरोना आ गया, दोबारा कोरोना आ गया, है ना, तूफान आ गया, चक्रवात आ गए, ये चीज़ें आजकल हम देख लेते हैं, हमारा इनके अंदर वही सच मान लेते हैं। तो जो हमारे पूर्वज लोग थे, मान लो कि वो आज से लगभग 8-10 हज़ार साल पहले की बात है ये, तो उन्होंने क्या किया, वो तो जैसे खाया पिया खाली बैठे रहे। तो आज के टाइम पे तुम खाली बैठे रहोगे तो मतलब कोई कांड ही करोगे, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन वो जो लोग होते थे ना, सब नहीं, उनमें से कुछ लोग जिनको आज के टाइम पे हम ऋषि कहते हैं, वो क्या करते थे, वो ऑब्जर्वेशन करते थे, उनके अंदर क्यूरिसिटी होती थी, क्यूरियोसिटी। तो वो क्या करते थे, जैसे कभी पहाड़ों में निकल गए, कभी जंगल में निकल गए, कभी कहीं निकल गए, तो ये लोग क्या करते थे, ये नेचर का अध्ययन करते थे, मतलब प्रकृति को पढ़ते थे, ये प्रकृति का अध्ययन करते थे और ये देखते थे कि भैया प्रकृति के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करने से क्या होता है। ये हज़ारों सालों के बाद उनको कई चीज़ें समझ में आती गई धीरे धीरे, उन चीज़ों को वो एडोप्ट करते गए, बाद में वो उन्होंने किताबों में लिख दी जिसको आज हम फॉलो करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी हम वही चीज़ें तो फॉलो नहीं करते ना, उस तरह का नेचर है आज, तो हम फॉलो करते हैं कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को। हम ये नहीं देखते कि ये सही है कि गलत है, इसका मतलब क्या है, क्या हमने जो पढ़ा वही सही है या इसका कोई और भी मतलब हो सकता है। एक ही बात को दो तरीके से पढ़ लेते हैं, उसकी डबल इंटरप्रिटेशन होगी, और डबल इंटरप्रिटेशन होगी तो जो मूल बात है उसका तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो सबसे पहले धर्म की उत्पत्ति हुई कहाँ से, धर्म आया कहाँ से। जो पुराने लोग थे, पूर्वज थे हमारे, उन्होंने प्रकृति का अध्ययन किया, उनको ये भी पता चला कि भैया प्रकृति और हम, प्रकृति के अंदर जितनी चीज़ें शामिल हैं उनमें चाहे तुम कीड़े मकोड़े ले लो, पशु पक्षी ले लो, पेड़ पर्वत पहाड़ नदियाँ ले लो, जल जंगल जमीन सब कुछ ले लो, ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये बात तो हम भी जानते हैं। अब हम कहेंगे धरती से जमीन से क्या कनेक्शन, भाई खाना पीना वहीं से तो मिलता है अपने को, वहीं पे फसल उगती है। अब कहेंगे पहाड़ों से ही तो नदियाँ निकलती हैं, तभी तो हमें शुद्ध जल मिलता है, इनसे भी कनेक्शन है। पक्षियों से क्या है, भाई तुमने जितने पेड़ नहीं लगाए उससे ज़्यादा पेड़ तो ये पक्षी लगा के बैठे हैं जो आज हमें फ्रूट दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ ये सब चीज़ें देते हैं। तो उन लोगों को ये समझ में आया कि ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर्यावरण के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर इनमें से कोई भी एक घटना गलत हो गई तो वो सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने प्रकृति का अध्ययन किया और प्रकृति के हिसाब से उन्होंने कुछ नियम बनाए। अगर पुरानी किताबों में देखोगे तो प्रकृति का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलेगा, नदियों का, पहाड़ों का, पेड़ पौधों की पूजा करते हुए मिलेंगे। क्यों करते हैं वो, क्योंकि उनको ये बात की समझ है कि भाई ये हमारे साथ हैं और हम इनके साथ हैं।
जैसे हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं ना, इकोसिस्टम, द इंटरकनेक्शन बिटवीन एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट, तो वो लोग बहुत पहले समझ गए थे इस बात को, और उन्होंने उस हिसाब से रूल रेगुलेशन बना लिए कि हमें ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी चाहिए। वो जो रूल रेगुलेशन उन्होंने बुलाए बनाए थे, उनको कलेक्टिवली हम धर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि हम अगर भौगोलिक विशेषताओं को देखें, उनका अध्ययन करें और उन्हीं के हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाएं, तो उसी को धर्म कहा जाता है, ना कि धर्म किसी किताब में लिखा हुआ है। वो प्रकृति पहले होती थी, जल जंगल ये चीज़ें पहले ज़्यादा होती थी, आज के टाइम पे कम हैं ये चीज़ें। तो इसलिए आज के प्रस्पेक्टिव के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारा धर्म तो बदलाव होना चाहिए, धार्मिक चीज़ों के अंदर बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। लेकिन ये बातें इतनी पुरानी हैं, हाँ, इनको हमारे तक पहुँचते पहुँचते कई हज़ार साल लगे, जिनके दौरान इनमें बहुत सारी कुरीतियाँ भी शामिल होती गई। और आज के टाइम पे अगर तुम पढ़ोगे तो इसमें 100% 100 तो कोई भी नहीं है धर्म शुद्ध जिसमें सारी बातें सच लिखी हूँ, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन है। जिसने लिखी थी उसका मतलब वही जानता है, एक बात के दो मतलब हो सकते हैं, कोटि का मतलब प्रकार भी हो सकता है, कोटि का मतलब करोड़ भी हो सकता है, 33 कोटि का मतलब कोई समझता है 33 करोड़ देवी देवता, कोई 33 कोटि का 33 प्रकार समझता है। तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की वजह से सब हो रहा है, यानी कि गलत व्याख्या की वजह से। तो पहली बात तो हमें देखो अपना धर्म स्वधर्म बनाना चाहिए। जैसे हमने अशोक के बारे में भी सुना था, अशोक का धम्म, वो उसका अपना धर्म था, उसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें महसूस की, और उसने अपने हिसाब से कई रूल बनाए कि सबकी सेवा करनी चाहिए, पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी रखना चाहिए, सराय बनानी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, छोटे बड़ों से प्रेम करना चाहिए। तो यही तो चीज़ें हैं, इसी को तो धर्म कहा जाता है। मान लिया मैं जिन मान्यताओं को मानता हूँ, अब हम एक चीज़ बड़ी अजीब देखते हैं कि एक ही धर्म के अंदर लोगों लोगों का व्यवहार अलग अलग तरह का है, अलग तरह से चीज़ें करते हैं, एक ही धर्म के हैं लेकिन तरीके अलग अलग हैं उनके, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो पुरानी किताबों में वो चीज़ें पढ़ी, कुछ पंडित आए उन्होंने बता दिया, ठीक है, कुछ ये बाबा लोग आ गए इन्होंने बता दिया, ये और भी कबाड़ा कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को फॉलो करने लगे। लेकिन एक्चुअल में हमें लॉजिकली सोचना चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और इसका प्रभाव भी हम दिन ब दिन महसूस भी करते हैं, देखते भी हैं, और हमें ये भी पता है कि 5-7 साल में हो सकता है दुनिया ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसी प्रकार से अगर तापमान बढ़ता रहा तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन लोग इस चीज़ को लेके अभी जागरूक नहीं है, लोग ये सोचते हैं चलो पेड़ लगा लेते हैं, पेड़ लगाने से क्या होगा, बारिश आएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। लेकिन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्लैंकटन, जो जीव जंतु समंदरों के अंदर रहते हैं ना, मैरीन लाइफ, वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है हमें, 50% से लेकर 85% तक, और 15% से लेकर 35% तक हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। इसलिए हमें जैसे पेड़ों के साथ साथ मैरीन लाइफ उसको भी बचाना चाहिए। कई बार कूड़ा कचरा नदियों में फेंक देते हैं, वो बहा के अपना समंदर में ले जाती है, तो वहाँ पे भी वो जीव जंतु मर जाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो जाए। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो अभी तो हमें स्थल जो है, यानी कि जो ज़मीन है, वही गर्म होती दिख रही है, बाद में जब ये ओशियन है, जो समंदर है हमारे, अगर इनका पानी गर्म हो गया तो वो सारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और एकदम से बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा और ये धीरे धीरे महसूस करेंगे। तो अगर मैं आज के हिसाब से कहूँ कि तुम उसी धर्म को फॉलो करते रहो, कूड़ा कचरा सब पंडित ने कह दिया नारियल पानी में बहाना है, ये पानी में बहाना, और तुम बहाते रहे, तो वो मैरीन लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत चाहिए हमें, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो तो हम ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं। तो आज के प्रस्पेक्टिव के हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट, ये जो चीज़ होती हैं, अगर हमें ये पता चल जाए आज के हिसाब से, आज के नेचर के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वही हमारा सच्चा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म वही है। और कोई सवाल हो? सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने अभी कहा कि पंडित आते हैं, चाहे मौलवी आते हो, जो भी है, अलग अलग धर्म के अलग अलग पंडित और मौलवी होते हैं। हाँ तो ये ऐसा भी है कि जो पहले से धर्म चले आ रहे थे, जैसे
ठीक है, वो हटा के, और जो इन्होंने अपने फायदे के लिए नए धर्म, मतलब जैसे कि अपने लिए, जैसे कहा कि 111 रुपये का ये चढ़ा दो, नारियल का ये कर दो, रोड़ी का ये कर दो, इनके इनके अपने फायदे के लिए उन्होंने धर्म में और कुछ भी बढ़ाया है, आप इस बात से सहमत हैं सर? आप मुझे इसके ऊपर क्लियर थोड़ा बताएं। नहीं भैया, देखो बड़े आश्चर्य की बात है, राम की कथा करने वाला आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े महल में रहता है, लेकिन वही राम बेचारा वन के अंदर भटकता रहा। यही बात सर। कमाल की बात नहीं है, ये बना दिया गया धंधा, और ये हमें भी पता है। लेकिन जब ये जिंदगी में दुख आता है, टेंशन आती है, समस्याएं होती हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करने के, हम इन पे विश्वास करने लगते हैं शायद ये हो जाए ये हो जाए, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, कहाँ किस चीज़ की क्या समस्या और उसका समाधान निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पंडित ने कह दिया तुम करने लगे, इससे कोई समाधान नहीं हो सकता। मान लिया हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको हम सोचेंगे ना उसका कैसे समाधान निकालना है। ये पंडित थोड़ी कहेगा कि तू 11 मंगलवार ये कर, 11 सोमवार ये कर, तेरा सब सही हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो तो अपने फायदे के लिए है। अब डॉक्टर है, कभी देखा है कि एक ही बार में तुम्हें ठीक कर देगा? वो कहेगा नहीं, ये 5 दिन की दवाई है, 5 दिन फिर फिराना, क्योंकि वो अपनी दुकान चला रहा है। पंडित जी भी कहता है अगले सोमवार को आना, फिर मंगलवार को आना, पहले ये कर लो फिर वो कर लो, ऐसा होना ही नहीं। कॉमन सेंस की बातें हैं, पढ़े लिखे होकर जब ऐसी बातें करते हैं तो इससे तो मैं कहूँ कि घटिया बात हो ही क्या सकती है। हमें ये पता होना चाहिए ये भाई ठगते हैं, इनके पास कोई समाधान नहीं है, इनके खुद के बच्चे तो मतलब कबाड़ा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी खराब है, इनकी खराब है, इनके घर में वो सारी समस्याएं होती हैं जो हमारे घर में होती है, तो ये अपना ही ठीक नहीं कर पा रहे, तो हमारा क्या ठीक करेंगे? सर मेरा एक और सवाल था, जैसे कि अब आपने बताया था शुरू के, मेरा आंसर दिया था कि अब काफ़ी सारे चेंजेस होने चाहिए धर्म के अंदर, तो आपका एक पर्सपेक्टिव था कि इकोसिस्टम को बचा के रखना चाहिए, हमारी जो बिल्कुल जियोग्राफी है उसे उसके हिसाब से चलना चाहिए, तो इसका मतलब तो एक ह्यूमैनिटी डेवलप करनी चाहिए, लोग इंसानियत पे आने चाहिए, तो देखो, अब हमें धर्म की क्यों ज़रूरत है फिर, अगर सब ह्यूमैनिटी को फॉलो ही कर लेंगे? इसके बारे में कुछ सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ह्यूमैनिटीज का मतलब क्या होता है, मानवता का मतलब क्या है। अब देखो जैसे कुत्ता है, कुत्ते के अंदर स्वानपन है, हम हैं मानव हैं, तो मानवता हम में है, ऐसी बात नहीं है। मानव की तरह व्यवहार करते हैं, मानव की तरह सोचते हैं, बातें करते हैं, सारी चीज़ मानवता तो है। मानवता होने का मतलब क्या होता है? बात है सोचने की और सोचने के तरीके की। सोचने का, हम कई बार सोचते हैं कि मैं ये सोच रहा, मैं वो सोच रहा, भाई पहले ये समझो कि एक्चुअल में थिंकिंग किसको कहते हैं, सोचने का मतलब क्या होता है। जब हम कोई भी बात सोचते हैं तो ऐसे हवा में तीर नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए क्या वो लॉजिकल है, क्या वो साइंटिफिक है, क्या वो हमारे जो पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके ऊपर वो खरा उतरता है वो चीज़, तब हम उस चीज़ के बारे में वैसे सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 किताबों में पढ़ लिया और इधर ज्ञान बोकड़े लगे कि हम पढ़े लिखे हैं। तुम जब समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते, समस्याओं से तुम भागते हो और तुम कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होने का मतलब ये थोड़ी ग्रेजुएशन की डिग्री तुम्हारे पास होगी, तुम खुद को फन्ने का समझने लगे कि हम पढ़े लिखे हैं। यही तो भ्रम है, ईगो अहंकार ज्यादा है। अब कॉमन सेंस की भी छोटी सी बात बताता हूं मैं, इकोसिस्टम की बात जो इसने कही। देखो भैया, हम दिल्ली के अंदर तो देखते हैं कितना कूड़ा है, हम किसको कोसेंगे के सरकार कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। भैया ये सरकार का काम है ही नहीं, वो तो तुम्हारे वोट लेने के लिए वो साफ थोड़ी ना करेंगे, वो तो तुम्हारे वोट लेने आएंगे। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम जिस नाली के अंदर ये पॉलिथीन फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, वही नाली का पानी रिफाइन होके वो हमें पीने को मिलता है। अब उसमें ठीक है, वो अशुद्धियां हैं वो तो खत्म कर दी जाएंगी, पॉलिथीन है वो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जो पॉलिथीन के नैनो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो उस पानी के अंदर ऑलरेडी डिजोल्व हो चुके हैं, उनको कैसे निकालोगे? उनको देख भी नहीं सकते, हमारे पास कोई यंत्र नहीं, फिर बीमार पड़ोगे। ये चीजें तो हम कर रहे हैं ना, और हम कोस रहे दूसरे को, ये फिर घंटा धर्म हुआ ना। धर्म का मतलब क्या है? हमें अपने हिसाब से सही करना है। अगर हर आदमी अपने हिसाब से जो सही है उसको सही करेगा, सही तरीके से करेगा, कूड़े को कूड़ेदान में डालो, हर चीज को उसकी जगह पे रखो, कोई गलत काम ना करो, तो अपने आप सही सही हो जाएगा, तुम्हें धर्म की जरूरत ही नहीं है। धर्म तो इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको पता था कि मानव की प्रवृत्ति है, कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं बाकी कबाड़ी लोग हो सकते हैं,
तो वो ये कचरा ना करें, इसलिए उनको धर्म के नाम पे डराया गया। तुमने ये बात भी जरूर सुनी होगी कि कण कण में भगवान होता है, ये बात भी सत्य है। ये बात कैसे सत्य है? देखो, जो कण होता है, पार्टिकल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें पाई जाती है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह देते हैं। उन्होंने बताया इस तरीके से, हमने समझ लिया गलत तरीके से, हमने सोचा कि ऊपर बैठे, ऊपर जाके देख लो भैया, कॉमन सेंस से कहेंगे नहीं ब्रह्मांड के बाहर बैठे भैया, कुछ तो लॉजिकल बात तो करो। भगवान कोई चीज है ही नहीं, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस उस चीज का है ही नहीं। आत्मा है, आत्मा का भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम कहते हैं नहीं आत्मा निकल गई, वो निकल गई, लोग इन चीजों को नहीं समझेंगे। किसी और वीडियो में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भूत प्रेत क्या होता है, आत्मा परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, आत्मा का क्या मतलब है। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है, वो तुमने कहा था कि धर्म के ऊपर बात करेंगे, तो और कोई सवाल हो तो बताओ। एक सवाल हो रहा है मेरा, कि जो ये धर्म है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है क्या, या ये धर्म एक नियम है जो सभी मान इंसानों को अपनाना चाहिए अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए? ये क्लियर कौन सा? देखो, जो धर्म है उसमें भगवान का कोई संबंध है ही नहीं। भगवान शब्द डाला गया डराने के लिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये दो चीजों पे चलती है। हमारे काम करने के दो ही प्रयोजन हैं, या तो डर है या लालच है। तो अब लालच क्या दोगे किसी को कानून फॉलो करने के लिए, तुम ये रूल फॉलो करो तो तुम्हें ये मिलेगा, ये लालच तो नहीं दे पाए। और लालच दिया भी होगा स्टार्टिंग में, जैसे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी, वेदों में लिखा हुआ है, तुम्हें इतनी गायें प्राप्त होंगी, तुम्हें धन मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, सुंदर पुरुष मिलेगा, ये लालच दिया गया। लेकिन बाद में समझ में आया, क्योंकि वेदों में तो भगवान का कोई प्रमाण है ही नहीं, उसके अंदर कोई चीज लिखी हुई नहीं, लेकिन बाद में जो पुराण वगैरह आए, जैसे हमारे चार वेद हैं, चार उपवेद हैं, छह वेदांग हैं, छह शास्त्र हैं, उनके अलावा 18 पुराण, 108 उपनिषद, जो वैदिक काल हम देखते हैं, वैदिक काल के अंदर भी ऋग्वैदिक काल, तो उसमें सारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, और वहां पे लालच दिया गया है कि तुम्हें इतनी ये चीज प्राप्त होगी, इससे ये प्राप्त होगी, ये मंत्र का जाप करो, तुम ऐसे 5 पेड़ लगाओ, 10 पेड़ लगाओ, ये होगा वो होगा, वहां पे लालच दिया गया है। लेकिन बाद में इन ब्राह्मणों ने देखा कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, सारी दुनिया लालच में नहीं आ रही, यहाँ पे तो ऋषि मुनि बनने लगे, जंगल में चले जाते हैं, लालच मोह माया सब छोड़ देते हैं। फिर पैदा किया गया डर। डर किसका पैदा करो? जो चीज दिखती नहीं उसका डर होता है सबसे ज्यादा, आदमी उसी से डरता है। अब भूत प्रेत बोल देते हैं, इनसे डरते क्यों हैं? क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। कोरोना था, दिखाई नहीं देता, डर गए लोग। भगवान है, दिखाई नहीं देता, डर जाते हैं लोग। तो डर ऐसी चीजों का बिठाओ दिमाग में। तो ये चीजें उन्होंने क्या कहा, जो वैदिक युग में ऋषि वगैरह ने रूल रेगुलेशन बनाए, और रूल रेगुलेशन को मंत्र का रूप दे दिया, ताकि हम उनको जल्दी याद कर सकें और मन में रटते ही रहें और उनको फॉलो करते रहें। क्योंकि कोई चीज गाने में जल्दी याद होती है। मैं तुम्हें कोई भी, जैसे साइंस की कोई भी क्वेश्चन बोल दूं कि ये याद करके लेके आओ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, तो मैं उसका गाना बना दूं तो तुम याद कर लोगे। हनुमान चालीसा के लोगों को ये नहीं पता कि इसकी भाषा कौन सी है, लेकिन पूरा याद है, क्योंकि वो गाने की तरह गाते हैं। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ को गा के याद किया जा सकता, तो वो मंत्रों का रूप दे दिया। दूसरी बात, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि ये क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम हर चीज़ का लॉजिक नहीं जानते, लेकिन हमें फ़ायदा तो चाहिए हर चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने घर में एसी लगा दिया, पंखा लगा दिया, कूलर लगा दिया, हमें नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा साइंटिफिक फिनोमिना काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, हमें नहीं पता। हमें हवा चाहिए, हमें बता देता है इलेक्ट्रिशियन, बटन दबाना हवा आ जाएगी। तो यही काम तो उन्होंने किया, उन्होंने रूल रेगुलेशन बना दिए और कहा कि इन मंत्रों का जाप करते रहो, इनको फॉलो करो, सिर्फ मंत्र का जाप करने से ही तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, उनको फॉलो करो, वो नेचर के हिसाब से रूल बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ है अपनी। अच्छा भैया, मेरा एक और क्वेश्चन था, हम इतने ज़्यादा धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप किस धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? देखो भैया, आज के प्रस्पेक्टिव के हिसाब से तो कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आज के टाइम पे दुनिया के अंदर 4,200 धर्म हैं। 4,200 धर्म हैं, हमें तो 4-5 ही पता होगा, हालांकि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि हिंदुस्तान में भी हैं कई धर्म हैं, लेकिन मेजर 8 हैं सबसे बड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध, ये 8 बड़े हैं। एक बहाई समाज के भी थोड़े बहुत लोग रहते थे, लेकिन शायद अब तो नहीं है, वो इस्लाम का ही एक भाग है। तो
लोगों को यही नहीं पता कि ये धर्म इतने क्यों हैं। दुनिया के अंदर भाई ज्योग्राफी अलग अलग है, तो हर एक आदमी अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाता है, इसीलिए इतने धर्म हैं। भारत के अंदर हमें इतने धर्म क्यों देखने को मिलते हैं, इतनी विविधता क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि भारत की जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है भारत का, उसमें सारी चीज़ें तो हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, मरुस्थल हैं, पठार हैं, मैदान हैं, द्वीप समूह हैं, क्या चीज़ नहीं है, घास के मैदान, सब कुछ तो है अपने पास। इसीलिए अपने देश के अंदर है ना ज्योग्राफिकल फीचर्स ज़्यादा हैं, भौगोलिक विशेषताएं ज़्यादा हैं, और अलग अलग जगह के ऊपर हमें अलग अलग धर्म देखने को मिलेंगे। और धर्म किसको मानेंगे, रूल रेगुलेशन, चाहे वो ऊपर मोटे तौर पर एक ही धर्म मानते हो ज़्यादातर लोग, लेकिन वो छोटे तौर पर अगर ग्राउंडेड देखें, आप धरातल पे देखें, तो उनके सबके अलग अलग रूल रेगुलेशन अलग अलग हैं, और वो बिल्कुल धर्म से अलग भी हैं कई, एक ही धर्म में कुछ विपरीत चीज़ें भी मिल जाएंगी, वो भाई ज्योग्राफी के हिसाब से होता है, लेकिन हमारे दिमाग में ठोक दिया, नहीं तुम तो वही हो। तो भूगोल के हिसाब से धर्म होता है, भूगोल के हिसाब से ही भाषा पैदा होती है, और भूगोल के हिसाब से ही पहनावा होता है, खान पान होता है, रहन सहन होता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ एक धर्म के अंदर वर्जित होंगी एक जगह पे, दूसरी जगह पे वर्जित नहीं है, उनको लोग करते हैं, कहीं पे कह देंगे नहीं मांस नहीं खाना, कहीं पे वही लोग मांस खा रहे होते हैं, कहेंगे हमारे पास इसके अलावा है ही क्या। तो मेनली जो दुनिया का जो ज्योग्राफी है, जो फीचर्स हैं, वो बहुत डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा विविधता है, इसीलिए हमें इतने धर्म देखने को मिलते हैं। और देख लेना, अगर एक जैसा एरिया है जहाँ पे एक जैसा भूगोल रहता है, भूगोल में जैसे अपने तो विविधता है, कुछ यूरोप के देश है वहाँ पे एक ही भाषा बोलने वाले लोग, एक ही तरह की शक्ल के लोग मिलेंगे, एक ही तरह के पहनावा, एक ही तरह का खान पान, एक ही तरह के लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म हमारा ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी के हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाए हमने प्रकृति के साथ तालमेल बनाने के लिए, उसी को हमने फिर धर्म का नाम दे दिया। बाद में फिर दुकानदारी चलाने के लिए ब्राह्मण और ये बाकी लोग पैदा हो गए, बाबा वगैरह की ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सही मतलब कोई समझना ही नहीं चाहता, बताओ तो मानेंगे भी नहीं। मानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनको ये लगता जो बचपन से हमने चीज़ सुनी है वो झूठी कैसे हो सकती है। कई बार होता क्या है, हाँ, जो हम बचपन से चीज़ें सुनते आते हैं ना, चाहे वो गलत भी हो साला, हम गलत नहीं मानते, दिक्कत ये है, दिमाग ऐसी ही चीज़ है, तो हमें गलत चीज़ों को तो निकाल फेंकना चाहिए टाइम के साथ साथ, खुद को बदलाव करना ज़रूरी है। ये भूगोल बदल रहा है हमारा, सारी चीज़ें बदलती है, प्रकृति बदलती, तो हम बदलने में क्या शर्म। तेरा कोई सवाल? इतने सारे धर्म हैं, एक और सवाल है मेरा कि इतने सारे धर्म हैं तो सब क्या अलग अलग धर्म हैं, तो धर्म इतना ज़रूरी है क्या ज़्यादा, धर्म की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें। देखो भैया, धर्म जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ तो कोई नहीं है, सबके अंदर कुरीतियाँ आई हुई हैं। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें कुछ रूल रेगुलेशन तो देखो फॉलो करने पड़ेंगे इस नेचर में रहने के लिए, इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ रूल्स तो हमें बनाने पड़ेंगे। अगर हमने रूल तोड़ दिए वो सारे के सारे, तो देख रहे हो क्या असर हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है गर्मियाँ, आने वाले टाइम में देखोगे कि प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश, तूफान, बहुत तेज़ हवाएँ चलेंगी, धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इंसान ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो हमें बचने के लिए तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन धर्म के अंदर भी कई चीज़ें हैं, क्या हमें कैसे रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। देखो, हर आदमी को सही और गलत सोचना चाहिए, भगवान ने सबको विवेक दिया है, ऐसा नहीं कि एक ब्राह्मण को दे दिया वही कहेगा तुम ये फॉलो करो, तुम अपने विवेक से सोचो, जब गली में जा रहे हो तो ये देखो कहीं कूड़ा गलत तो नहीं पड़ा हुआ, इसको उठा के डालो, क्योंकि तुम ये सोचा करो ये बाद में मुझे प्रॉब्लम करेगा, किसी और को नहीं। लेकिन हम क्या सोचते, पड़ा रहने दे मेरा क्या है, ना मेरी गली, लेकिन हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए, एनवायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, प्रकृति का पूरा ख्याल रखना चाहिए, पूजा करते इसीलिए तो करते थे, इतना ख्याल रखते थे प्रकृति का, प्रकृति के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करते थे, इसीलिए प्रकृति हमारा ध्यान रखती थी। अब तुम प्रकृति के विरोध में हो, प्रकृति तुम्हारे विरोध में है, तो खेल जारी है। तो भैया मेरा एक और सवाल था कि अब आपने सारे धर्मों के बारे में बता दिया कि भगवान नहीं होता, सब इन्वायरमेंट का खेल है, इकोसिस्टम है, जियोग्राफी के हिसाब से होता है, तो फिर इतने धर्म क्यों बने, क्यों, मतलब कि इसका भी तो आपने जवाब दिया कि किस लिए बने, पर अब यह है कि सब सारी जगह तो अब इकोसिस्टम सेम ही है लगभग, तो अब हमें कौन सा धर्म फॉलो करना चाहिए।
देखो अब भी इकोसिस्टम सेम कहाँ है, सबकी ज्योग्राफी अलग अलग है। कोई मरुस्थल में रह रहा है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, कोई मैदान में है, कोई पठारों पे रह रहा है, कोई आइलैंड पे रह रहा है। तो सबके हिसाब से, उनके हिसाब से, उनको जो बेस्ट लगे ना, उनको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना है, बस मैं तो सिंपल ये कहता हूँ। दूसरी बात, जैसे कई बार ये बात होती है कि क्या हमें मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, गुरुद्वारे या फिर चर्च, गिरजाघर, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो भैया जाना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। जो जैसी भी आस्था रखता है उसको करते रहना चाहिए। किसी आस्था को आत करने का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो सिर्फ अपना व्यू रख रहे हैं। इसको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। किसी का और क्वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हैं हमसे, हमें कोई वो नहीं, हम लॉजिकल जवाब देंगे। अब देखो ये ज़रूरी क्यों है। तो जो इंसान है वो पीड़ित दो तरीके से होता है, दो तरीके से उसको समस्या आती है। एक होती है शारीरिक समस्या, एक होती है मानसिक समस्या। अब मान लिया शारीरिक समस्या है, किसी के मतलब सिर में दर्द है, किसी के मतलब किडनी खराब है, किसी के फेफड़े खराब हैं, किसी के मतलब आंखें खराब हैं, वो जाएंगे बाबा के पास, बाबा प्लीज़ एक झाड़ा लगा दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। अरे बेवकूफो, समझो इस बात को भी। देखो बाबा उन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं जो साइकोलॉजिकल हैं, और वो भी इलाज तब होगा जब आप उनके ऊपर फेथ रखोगे। ठीक है, फेथ रखने का मतलब क्या है? आप, हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, और हमने माइंड को डाइवर्ट कर दिया तो मानसिक चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो शारीरिक बीमारियां हैं, शारीरिक जो चीज़ें हैं, उनका इलाज क्या है? उनका इलाज तो डॉक्टर के पास ही है, उनका तो चिकित्सा ही करवाना पड़ेगा आपको। हाँ, एक मानसिक जो चीज़ें होती हैं, मानसिक बीमारी हैं, आदमी रोता ज़्यादा है, सोचता ज़्यादा है, खोया खोया रहता है, नींद नहीं आती, इन चीज़ों के इलाज जरूर बाबा कर देंगे। लेकिन वो भी हर एक नहीं कर सकता, वो भी अपना बना के बैठा है, ये बबूती दे देंगे, ये माला पहना देंगे, 500 रुपये की रसीद कटवा लेंगे, 400 रुपये डब्बे में डलवा लेंगे, वो उनका अलग फंडा है। लेकिन इनकी साइकोलॉजी तो कोई भी ठीक कर सकता है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? हम एक प्रॉब्लम के अंदर घुसे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। तो जब दिमाग, एक बात बताओ, सोते टाइम किसी को भी दुख सुख महसूस नहीं होता जब सोए होते हैं? क्यों नहीं होता? क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग बंद हो जाता है, मतलब जो कॉन्शियस माइंड है वो उस टाइम पे वर्क नहीं करता, अनकॉन्शियस थोड़ा बहुत करता है। मतलब कॉन्शियस वर्क तो करता है, लेकिन वो थॉट्स वगैरह नहीं आती, और जब थॉट्स नहीं आती तो आदमी के दुखी नहीं होता। तो हमारा मेन जो दुखी रहने का, मानसिक जो बीमारियां हैं, वो क्या है? थॉट्स, सोचना, सोचते रहना। तो अगर हम अपने माइंड को कहीं और लगा देंगे, उसको व्यस्त कर देंगे, तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इनका इलाज तो बाबा के पास भी जाने से नहीं होगा। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे ये माता वाता आने वाली है, भूत प्रेत वाली है, तो ये, हाँ ये, इसलिए मंदिर में जाने के बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम झुकते हैं, मत्था टिकाते हैं, ये सब में ही मिलेगा झुकना। क्योंकि झुकने से क्या होता है, जो हमारा हेड है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और जो हमारा पीठ है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है माइंड के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई अच्छा महसूस होता है। मंदिर में जाते हैं तो जैसे हमारे शरीर के अंदर भी एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कई बार देखा हो कपड़े उतारते हो तो हमारे अंदर थोड़ा सा करंट होता है। तो जब जूते उतार के मंदिर में जाते हैं तो हम, हमारी अर्थिंग हो जाती है। ठीक है, उस अर्थिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टेंशन, बीपी हाई वगैरह इनकी प्रॉब्लम्स नहीं होती। दूसरा, जैसे पूजा करते हैं तो पूजा करते टाइम हम क्या करते हैं, पांच इंद्रियां होती हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। पूजा बोले तो मेडिटेशन, लेकिन इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं कहूँ कि मेडिटेशन करो तो आंख बंद करके बैठ जाओगे, नहीं कर पाओगे। हमारे जो पूर्वज थे उनको पता था कि इसका भी कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने समाधान क्या ढूंढा कि पूजा करने से पहले आपको नहाना पड़ेगा। ठीक है, नहाने से क्या होता है, हमारी पहली इंद्री जो त्वचा होती है, खाज खराज नहीं होगी तो हमारा दिमाग भटकेगा नहीं। अच्छा, नाक है, उसके लिए हमने कोई सुगंधित या तो पुष्प रख लेंगे, फूल रख लेंगे पूजा में, या फिर उसमें इत्र छिड़क देंगे, या फिर उसकी जगह अगरबत्ती धूप बत्ती लगा देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो नोज होती है, नाक होती है, जो दूसरी सेंस है, वो व्यस्त हो जाएगी। तीसरी होती है आँखें, आँखों को बंद कर लिया जाता है तो कोई विजुअल आएगा नहीं आँखों में, तो हमारे माइंड में कोई इनपुट नहीं जाएगा। ये पाँच इंद्रियाँ हमारे पाँच इनपुट हैं। नोज हमारी व्यस्त होगी, मुँह हमारा मंत्र जाप करने लग जाता है, तो हमारा जो माइंड है ना, जो थॉट्स हैं वो आती ही नहीं है, फिर हम चलते ही रहते हैं,
कान हैं ताली बजाने लग जाते हैं, घंटी बजाते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ें हमारे कान में नहीं आती उस घंटी की। अगर रोज़ ऐसा करेंगे तो ना इन सारी चीज़ों की आदत हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा माइंड एक जगह पर रहने लग जाएगा, मेडिटेशन होने लग जाएगा। तो ये मेडिटेशन का तरीका है, लेकिन लोग इन चीज़ों को समझेंगे कहाँ, इतनी फुर्सत कहाँ है किसी के पास कि वो सच को देखें, इतना सोचें। वो तो बस पंडित के पास जाएगा, 5 रुपए की पर्ची काट देंगे, थोड़ी सी बबूत दे देंगे उसको, उसमें ही खुश हैं, नहीं हो जाएगा ठीक। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तुम्हारा कोई सवाल है? जैसे कि आपने सर बताया कि जो ये हमारा धर्म है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो धर्म है तो एक टाइप से ये इंसानों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का काम करता है कि धर्म इंसान को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इंसान ये करेगा तो अच्छे से जी सकता है, और जो प्राकृतिक है वो भी, उनका भी प्राकृतिक का जो बैलेंस है वो भी चलता रहेगा। तो दूसरे शब्दों में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं धर्म, ये मान सकते हैं हम। हाँ, तो मैंने ये तो ऑलरेडी बताया है। देखो, कई चीज़ें हैं, हमें एक धर्म को थोड़ा सा ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहिए। आई थिंक धर्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके कुछ फंडामेंटल रूल हैं, बेसिक हैं। देखो भैया, ना तो किसी इंसान को, ना किसी जानवर को, ना किसी पेड़ पौधे को, चीज़ कोई सजीव हो या निर्जीव हो, कभी किसी को कोई समस्या नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इस संसार के अंदर सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो अगर हम कुछ करेंगे तो उसका वापस भी हमारे पास आएगा, इसीलिए तो हमें कर्मा कहा गया। कर्मा का मतलब क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मा सामूहिक रूप से भी होता है, कुछ लोग मिलके भी एक कर्म ऐसा कर देते हैं जिनकी सज़ा सबको मिलती है, वो यही हो गया। जैसे कि अब एक आदमी ने कोई कूड़ा फेंक दिया, तो उसने कूड़ा फेंक क्या, वो कूड़ा घूम फिर के उसको, मतलब ऐसा तो है नहीं उसके मुंह पे आके लग जाएगा। हाँ, हो सकता है ठीक है हवा चल पड़ी तो वो पोलिथीन उड़ के उसके घर में भी आ जाए, हो सकता है वो नहीं तो दूसरा आ जाएगा, तो वो कहीं और दिक्कत करेगा। मान लिया हमने गलत कर्म किया, वो किसी और की प्रॉब्लम बनेगा, किसी और ने गलत कर्म किया, वो उसकी और की बनेगा, तो ऐसे सब एक दूसरे के पीछे ही लग जाएंगे। तो हमें कर्म बड़े सोच समझ के करना चाहिए। सबसे पहले तो किसी को हाथ नहीं करना चाहिए, जी ठीक है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, प्रकृति हों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के, नेचर के पास रहना चाहिए, नेचर में रहना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रकृति को और बढ़ाओ और प्रोत्साहित करो। अब एक हरा भरा होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, देख के आँखों को भी कितना प्यारा लगेगा। घूमने के लिए पहाड़ों में जाते हो, नदियाँ देखते हो, भाई जो हमारे पास नदियाँ उनको साफ़ रखो, नाले का पानी उनको साफ़ रखो, आना तो हमारे ही पास है। तो ये तो कर्म है ही, हम पॉलीथीन फेंकेंगे उसी का पानी हमें पीना पड़ेगा, फिर फिल्टर कर लो चाहे उसका कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हवा प्रदूषित करेंगे वो हमें लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन। जो मेन फंडामेंटल चीज़ें हमारी क्या है, हमारे बॉडी को चलाने वाली, एक है हवा मेन, खाना है और पानी है, जी तीनों प्रदूषित हैं आज के समय पे। तो हम देख सकते हैं कितनी वैलिडिटी हमारी, और ये किसी दूसरे ने नहीं करी कि फैक्ट्री वाले ने कर दिया, ये कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा भी है, हमारा कम है उनका ज़्यादा है, बस फर्क इतना है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन सबका है। हमें रूल ऐसे बनाने चाहिए, ना तो हमें उनको करना चाहिए और ना किसी को करने देना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इन्हीं चीज़ों को देख के रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बंदा आएगा, कोई प्रधानमंत्री आएगा, कोई मंत्री आएगा, वो बना के दे देगा, ले बेटे इनको फॉलो करना है। भाई खुद सोचो कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, खुद में साफ रहो, ऐसे रहो कि खुद से नजरें मिला सकें कि मैंने तो गलत नहीं किया। ये टिट फॉर टैट वाले काम भी नहीं है कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैंने कर दिया, नहीं, हमारे जो कर्म की किताब है वो अलग अलग है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मेरी कॉपी में चढ़ गया वो, अब तुम मेरे साथ करोगे तुम्हारी कॉपी में भी चढ़ जाएगा। अगर मैंने तुम्हारे साथ किया, मेरी कॉपी में चढ़ चुका है, मेरे को मिलेगा, लेकिन तुम हो सकते हो तुम बच के चले जाओ, कह दो नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने नहीं करना, तुम्हारी कॉपी में नहीं चढ़ेगा, सिंपल है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए गहराई से, इनके ऊपर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, बहुत डिबेट हो सकती है, लेकिन आज तो अपने पास इतना समय है नहीं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकें, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम रोज़ करने की कोशिश करेंगे। याद है हमारी एक छोटी सी शुरुआत थी बस। धन्यवाद। अगर आपको भी कोई सवाल ऐसी मन में आए, आपको झिझकाते हो, तो फिर आप कमेंट में जरूर पिन करिए।